हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो इंट्रेंस टेस्ट हुआ था 2021 में, तो ऑलमोस्ट हर एक कोर्सों का रिजल्ट आ गया है। तो दोस्तों, फाइनली जो डिप्लोमा और क्लास 11 का जो लिस्ट आया था काउंसलिंग में सिलेक्टेड लिस्ट, तो दोस्तों बॉयज़ का भी दोस्तों आ गया है। जो फर्स्ट बार आया था वो आपका गर्ल्स का था, अब आपका बॉयज़ का भी दोस्तों लिस्ट आ गया है फाइनली। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप अपने रिजल्टों को कैसे चेक कर पाओगे और किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और दोस्तों उसके बाद प्रोसेस क्या होगा आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको कोई भी रिजल्ट चेक करना हो या कोई भी नोटिस चेक करना हो तो आपको उसके ऑफिशियल पेज पर ही मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा MA Control Exam.com, और जैसे ही सर्च करोगे गूगल पे तो आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द कंट्रोल ऑफ एग्ज़ाम, ये MU का ऑफिशियल पेज है। फिर आपको इसको करके नीचे की ओर जाना होगा, और दोस्तों जैसे नीचे की ओर जाओगे आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एडमिशन लिखा हुआ है। दोस्तों, जो काउंसलिंग के सिलेक्टेड लिस्ट आते हैं दोस्तों, ये एडमिशन वाले में भी आते हैं। और दोस्तों, जो आप रिजल्ट चेक करते हो तो आप यहाँ नोटिस अपडेट देख सकते हो, यहाँ पर जो भी रिजल्ट निकलता है आपको नोटिस अपडेट में मिल जाते हैं। तभी हम लोग दोस्तों देखते हैं काउंसलिंग में जो फॉर्म लिस्ट आया है तो दोस्तों आप कैसे चेक कर पाओगे। तो आप यहाँ दोस्तों देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है एडमिशन, एडमिशन जो लिखा है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा फर्स्ट वाले पर, डिस्प्ले ऑफ फॉर्म एडमिशन लिस्ट, तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना होगा। और दोस्तों जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपके सामने ये पेज ओपन हो गया, और यहाँ लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग फॉर्म एडमिशन लिस्ट 2021-22। तो दोस्तों आपको इसमें लिस्ट मिल जाएंगे, और आप यहाँ दोस्तों देख सकते हो आपका हर एक कोर्स का इसमें है लिखा हुआ, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में भी है दोस्तों, यहाँ दोस्तों देख सकते हो इसका भी लिस्ट नहीं है। अभी जो दोस्तों लिस्ट आया है तब डिप्लोमा इंजीनियरिंग और क्लास 11 का आया दोस्तों, जो पिछली बार आया था वो आपका गर्ल्स का था। आप यहाँ दोस्तों देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा इंजीनियरिंग, यहाँ पर दोस्तों आपको फिर क्लिक करना होगा। और दोस्तों जैसे ही क्लिक करोगे तो आप दोस्तों यहाँ देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बॉयज़, तो दोस्तों बॉयज़ का भी फॉर्म लिस्ट दोस्तों आ गया। आप यहाँ दोस्तों देख सकते हो जो शुरू में आया था दोस्तों आपको डिप्लोमा इन गर्ल्स का आया था, और दोस्तों क्लास 11 का गर्ल्स का आया था यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, और कॉमर्स का भी जो आया था वो गर्ल्स का आया था, पर आपका फाइनली दोस्तों अब बॉयज़ का भी आ गया, और आप यहाँ दोस्तों देख सकते हो बॉयज़ का ही आ गया। अब आपको रिजल्ट को चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करना होगा, और जैसे ही क्लिक हियर पर क्लिक करोगे तो आप दोस्तों देख सकते हो आपके सामने ये रिजल्ट डाउनलोड हो रहा, और फिर ये आपके सामने रिजल्ट भी ओपन हो जाएगा। अब फिर उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये आपका यहाँ पर लिखा है फॉर्म लिस्ट, और कोर्स नेम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पर नेम स्टूडेंट है, यहाँ पर रोल नंबर और ब्रांच, तो दोस्तों आपका ब्रांच भी लिखा हुआ है। और आप दोस्तों देख सकते हो इसमें कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर टोटल 12 पेज है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो। तो दोस्तों जो गर्ल्स का लिस्ट आया था दोस्तों, उसमें बहुत भी कमेंट आ रहे थे कि सर मेरा ये ब्रांच मुझे नहीं चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको जिस ब्रांच में भी सिलेक्शन हुआ है आप दोस्तों एडमिशन ले लो। अगर आप चाहते हो कि मेरा सेकंड लिस्ट में जो आपको ब्रांच चाहिए वो मिल जाए तो दोस्तों आपका फिर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपको नॉट इंटरेस्टेड मिलेगा समझ के आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपका जिस ब्रांच में आपका निकला हुआ है आप दोस्तों एडमिशन करा लो, उसके बाद दोस्तों अगर आपका कटअप के हिसाब से अगर जाए तो आपका सेकेंड लिस्ट में दोस्तों आपका आ सकता है, या आपका अपग्रेड होकर आपका सेकेंड लिस्ट में दोस्तों आपको जो चाहिए ब्रांच वो मिल सकता है। इस वजह से दोस्तों आपको जो इस ब्रांच में मिला है आपको, तो सबसे पहले आपको एडमिशन ले लेना है, फिर आपको पेमेंट करने के लिए आपको मैसेज आएगा, और दोस्तों जो भी नेक्स्ट प्रोसेस होगा जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो दोस्तों आपको इस चैनल पर सबसे पहले वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।